मर्जेट वाइल्ड है तो बहुत तगड़ा खेलता है भाई ग्रुप। किसी रोज तुमसे क्या ये तो कुछ मर्जेट वाइट ही लिखा है बे। अरे भाई बड़े यूट्यूबर आ गए भाई। मैंने क्वालिटी है ये मैंने क्वालिटी ज्यादा तेज मत बोलना उन्हें सुन लिया ना भाई वो मार देगा भाई पूरी लॉबी। सही पकड़े हैं सारा तस्वीर से और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाले हैं दो गेम प्ले, दो जॉर्ड लेवल गेम प्ले विद एक्स्ट्रा चिकन मार के बैक टू बैक चिकन बोलते। फाइनली पुराना वाला मस्जिद हल्का फुल्का वापस आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब थोड़ा तुम्हें दिखाया जाएगा वीडियो किसको बोलते हैं, इंट्रो किसको बोलते हैं, मस्जिद किसको बोलते हैं। बस देखते जाओ। अब देखो तुम्हारे भाई ने लैंड होते ही बैक टू बैक तीन किल निकाल दिए थे, क्योंकि ऑल पे जो अपने बारे में बातचीत हो रही थी ना ज्यादा जोश में आ गया, तो उतरते ही तुम्हारे भाई ने अच्छे खासे तीन किल निकाल दिए, अच्छी खासी तबाही मचा दी, तो ज्यादा जोश में आ गए थे। चलो नीचे चलते हैं। साले कैंपर यूएमपी वाली तेरी माठी। अब देखो मेन तुम लोगों से करनी थी मेरे को थोड़ी बहुत बातचीत, बड़ो वाली बातचीत की। अगर अभी भी आप लोग एस पे अटके हो तो डेली का कितना प्लस करना चाहिए जो कि आप लोग एकदम आराम से कॉन्कर कर सको। रुको कोनो बकलोली कर रहा है, पहले से धर लेते हैं ना ये बॉट भाई साहब। यार क्राफ्टन की मैडम गलत टाइम पे गिफ्ट भेज देती है। रुको रुको जरा रुको। अब ये बॉट भाई साहब को निपटा के अपने अच्छे खासे चार किल हो गए थे। तो देखो सिंपल, सबसे पहले खेलने की स्ट्रेटेजी सिंपल थी जो तुम लोगों ने देखा इवेंट पे, जितने किल निकल रहे हैं भले जीरो निकल रहे हैं, जीरो इज आल्सो अ नंबर है ना, गिनती है वो भी, भले जीरो है कोई बात नहीं। इवेंट पे ठिलने ठिलाने के बाद में तुम लोगों को सिंपली सेफ जाके अपनी लूट कंप्लीट करनी, और एक आधा बॉट तो देखो किस्मत में आ ही जाएगा। अगर मेरे से ज्यादा झंड किस्मत है तुम्हें एक बॉट भी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, स्किल्स के दम पे कॉन्कर करेंगे है ना। अब देखो कभी कह रहा क्राफ्टन की मैडम हल्का फुल्का सा ज्यादा मेहरबान हो जाती है अपने ऊपर, कोई बात नहीं। अब अपने अच्छे खासे 5 किलो के थे। अब देखो यहाँ से मेन लास्ट जोन का गेम प्ले जो है वो मेन रहता है तुम्हारे लिए, तो अब लास्ट जोन में कैसे किल्स निकाले जाएंगे, कैसे रोटेशन ली जाएगी, बस देखते जाओ। अब इससे पहले तुम लोग सोचो या बोलो कि भैया कौन से नशे में हो, तो नशे में हम नहीं है, ये सामान नशीला है। हाँ मैं नशे में नहीं हूँ, ये गेम नशीला है भैया, इसको भी ना खोल रहा वरना दोनों बंदे तुम्हारा भाई बहुत प्यार से उतारता, तुम लोग भी जानते हो अपने कार स्प्रे है ना, वरना इंट्रो में तो देखा ही था, कोई बात नहीं। जस्ट ग्रोसरी थिंग्स अपने अच्छे खासे 6 किलो गए थे, अभी देखते जाओ बस क्या ही देखोगे तुम लोग, तुम्हारा भाई जोन का सेंटर पकड़ेगा, अगल बगल से रोटेशन जाएगी नहीं जाएगी तो फिर भैया वो जाने लायक नहीं बचेगी ना, तो सिंपल सी बातचीत, बड़ो वाली बातचीत। तुम्हारा भाई आराम से जोन का सेंटर आके पकड़ लेता, और थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे हाफ वो कॉकरोच की रोटेशन आती है। अब ये भाई साहब अपने आउटफिट और अपनी बग्गी देख के अपने को पहचान जाते हैं, क्योंकि इन भैया जी ने अपने से पिछले मैच में भी मीटअप करा था, जो कि अभी मैं तुम्हें इसके आगे दिखाने वाला हूँ। मतलब देखो आगे पीछे हो गया ना हल्का सा, कोई बात नहीं। ये भाई साहब अभी पिछले मैच में भी अपने से मिले थे। हाँ भाई कुछ चाहिए तुम्हें। हाँ भाई बस एक अपनी वीडियो पे लाइक का बटन क्लिक करवाना था, ये जितने बड़े हुए वीडियो के मजे लेके चले जाते हैं ना बिना लाइक दबाए, बस उनसे लाइक कैसे करो वो बता देते। अरे चले गए तो भाई सामने से डासिया वाला बंदा बच के चला गया। डासिया वाला इसने पक्का आज पूजा करी है, क्योंकि भैया एंगल नहीं बन पाया ना, वरना डासिया तो इतना प्यार से बंदा बाहर होता ना, इतना ज्यादा प्यार से। अब अपने अच्छे खासे 6 किल ही थे जो कि देखो अभी आगे चल के बढ़ाए जाएंगे। अब ये बंदा एक हेडशॉट खाया, 4 बॉडी शॉट खाया और फिर भी नहीं ठिल के दे रहा है। उसके पास में स्नाइपर थी, सही से तुम्हारा हिल डुल के स्प्रे ले रहा था।
अब ये भाई साहब ने देखो अपने को अच्छा खासा डैमेज तो दे दिया था, लेकिन भैया अब नेट गॉड कवर में पहुंच चुका है तो तुम्हारे ऊपर नेट आने तो देखो कंफर्म बातचीत है ना, बड़ वाली बातचीत, नेट तो देखो आएगा और तुम फूटोगे भी। अब देखो साउंड वाउंड सुन रहा था तुम्हारा इतनी देर से, लेकिन ये भाई साहब ज्यादा हिल डुल नहीं रहे, तो उसके बाद तो स्पॉट ही हो जाते, तो एक मिनट काफी तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा उठाने के लिए विद जिंदगी। अब ये भाई साहब को निपटा के अपने अच्छे खासे थाला पर रीजन किल्स हो जाते हैं, बोले जो कोयल बागो में है। अपने देखो अच्छे खासे 7 किलो के अभी देखो और कितने निकाले जाएंगे। भाई देखो कुछ भी बोलो, ये बंदा शेक के अंदर बैठा था उतनी देर से, और जैसे तुम्हारा भाई आया ये बग्गी उठा के निकल लिया, क्योंकि देखो नेट गॉड एक नेट में काम 25 कर देता ना, और मेरे को अगर पहले मालूम होता ना ये बंदा वहां पे बैठा हुआ है, भाई बिना मतलब के बच गया ये। अभी वो सिंपल सी बातचीत है, अगर पोजीशन तुम्हारे हाथ में है तो भैया किल्स एकदम फ्री में बढ़ते हैं ना, बस उठा लो जितने उठा सकते हो उठा लो। अभी भाई साहब को निपटाने के बाद अच्छे खासे 8 किलो के, तो और एक भाई साहब मटकते हुए आ जाते जो कि अपने सब्सक्राइबर भाई थे। हेलो मंजीत भाई, बिग फैन भाई, भाई बिग फैन भाई, थैंक्स, लव यू। अभी तो देखते जाओ, अभी मर्जी ट्वाइटी धीरे धीरे करके एकदम फॉर्म में आएगा, बहुत हो लिए डिमोटिवेट, अब डिमोटिवेट करा जाएगा है ना, लॉबी में नाम चमकाया जाएगा एकदम ढंग से, बस तुम लोग डिमोटिवेट मत कर देना। आज की वीडियो का इंट्रो देखते हुए एकदम मस्त गेम प्ले देखते हुए लाइक कर देना बस। अब देखो अपने एक सब्सक्राइबर भाई अपने कंपाउंड में बैठे थे, जिनको तुम्हारे भाई ने बोल दिया था किसी पे भी फायर नहीं लेना है, वो बंदा जॉयस्टिक तक नहीं ला रहा है, एकदम आराम से बैठे हुए, और एक बंदा ये अपना क्या कहते हैं बीआरडीएम की थर्ड कॉपी में बैठे हुए थे, तो ये भाई साहब भी अपने सब्सक्राइबर भाई थे, तो देखो अभी लास्ट में दोनों से मिला जाएगा, पहले लॉबी खाली कर दी जाए। देखो देखो दरिंद की चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीला, भाई यार मेरा ही तो सब्सक्राइबर है, ले सकते हैं ना ऐसे, देखो ऐसे बड़ो वाली बातचीत होती रहती है ना, कि देखो सामने की साइड में लास्ट दो बंदे बाकी थे जिनके बीच में मुठभेड़ हो जाती है, तुम्हारा भाई देखो अभी मामला शांत करवाएगा। भाई यार ये ऑटो रिवाइव वाला बोरिया बिस्तरा ना सिर्फ बड़े लोगों को मिलना चाहिए जैसे कि मैं, ये सबको मत बांटा करो यार, मेरा किल चोरी हो गया बिना मतलब, किल चोरी कर दिया बेचारा अपने सब्सक्राइबर भाई भी बोल रहे हैं यार तुम्हारा किल चोरी कर दिया किसी ने, कोई बात नहीं, देखो किल में ना एक जुट जाना चाहिए, वो किसी का भी नाम जुड़े तो कोई बात नहीं, इन भाई साहब को धर लेंगे। अब ये डॉलर रूपा एकदम आराम से धड़ धड़ा के अपने अच्छे खासे 9 किलो के थे, अब लास्ट के दो बंदे बाकी, और ये दोनों के दोनों बंदे हिलने को तैयार नहीं, मैं बोल रहा हूँ दोनों अपने सब्सक्राइबर भाइयों आ जाओ, उसको भी बोल के आ तो फिर इसको बोल के आ तो तब जाके ये दोनों आते हैं। और यहाँ पे अभी पहले वाले बंदे पे देखा था बीच में कितना ज्यादा क्लोज था क्रॉस एयर, उसके बाद में गोली मिस हो रही थी क्योंकि भैया मेरा एम असिस्ट ऑफ है। अब उस मैच से अपने को अच्छा खासा 21 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था, पूरा आप लोगों ने देखा कि खेलना कैसे और बातचीत कर लीजिए, अगर एज से आप लोग अभी भी कांग्रेस करना चाहते हो तो डेली का सिर्फ और सिर्फ 150 का टारगेट रख लो प्लस करने का, बहुत ज्यादा आराम से हो जाएगा और प्लस तो अच्छा खासा मिल ही जाएगा। और बाकी अभी देखो अभी बातचीत कर लीजिए अपने सेकंड गेम प्ले की, इवेंट से अच्छे खासे 3 किल और रिकॉल उठाने के बाद तुम्हारा भाई जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में इन भैया जी ने धर लिया, भैया देखो अब तुम सबर तो कर मेरे यार, मर्जी ट्वाइटी वापस आता है 90% चांसेस है ना आएगा वापस, चलो फिर। अब ये भाई साहब को एकदम आराम से धर धरा के अपनी ठीक ठाक से लूट भी कंप्लीट हो जाती है, 4 किल भी हो जाते हैं, और देखो फिर अब लास्ट जोन में तुम्हारा भाई देखो मेन किल्स निकालता है लास्ट जोन में, अगर इवेंट पे सही से किल्स निकलने चालू हो गए ना भैया स्वर बना देना मैंने लॉबी का।
अभी एक्सोट वाले भाई साहब को धर धरा के अपने अच्छे खासे 5 किलो के थे। उसके बाद देखो जोन के सेंटर में तुम्हारा भाई ऐसे एंट्री लेता नहीं जैसे क्राफ्टर की मैडम ने खाली रखा होगा, बिल्कुल है ना, कोई डर ही नहीं है क्योंकि हाथ में शॉटगन है ना। अरे यार गलती हो गई मेरे से नहीं, ये क्वीन मोहतरमा से, गलत बंदे के सामने से तुम गाड़ी ले, वो भी डासिया। डासिया से तो एकदम हंसते खेलते बाहर कर देता मैं। अब आखिर डरते थोड़ी है जी, मेरा कद्दू डरे, जोन के सेंटर में वेयर हाउस में सीधा गाड़ी लाके पार्क करिए, चेक वेक कुछ नहीं की बंदा है या नहीं है, होगा तो भैया उतर के दबदब कर देंगे एकदम प्यार से। ये भाई साहब पता नहीं कहाँ लेफ्ट राइट मटकते हुए जा रहे थे, तुम्हारे भाई ने बीच रास्ते में धर लिया कि कहाँ जा रहे हो भैया, तुम्हारा गुड्डा बनाया है ना। अभी भाई साहब को निपटा के अच्छे खासे थाला फॉर ए रीजन केस दोबारा से हो जाते हैं। और बाकी आप लोगों ने अपने गेम प्ले में कुछ नोटिस करा, तुम्हारे भाई ने अपने ज्यादातर मोस्टली जो कंट्रोल्स है ना उन्हें बिल्कुल छुपा दिया, देख सकते हो बिल्कुल हल्के हल्के शो कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करके गायब कर देंगे, वैसे तो हाथ पे सेट पड़े लेकिन ऐसे बिल्कुल गायब अच्छा सा नहीं लग रहा था। और बाकी देखो आज की वीडियो में तुम्हारे भाई ने ऐसे फुल मोटिवेट होके बनाई है, तो थोड़ा डिमोटिवेट ना कर देना यार, 700 लाइक्स का टारगेट है जो कि कंप्लीट हो सकता है। अब ये भाई साहब को धर धर आके अपने अच्छे खासे 8 किलो के, तो उसके बाद सामने की साइड में एक भाई साहब और आके रुक जाते हैं जिनको तुम्हारा भाई निपटा सकता था, लेकिन ये भाई साहब अपने सब्सक्राइबर भाई थे जो कि पिछले मैच में मिले थे ना, जो कह रहे थे कि पहचान है, तो वो यही भाई साहब थे। एक तो कोई दीन धर्म कोई मतलब मर्यादा वर्यादा है ही नहीं भाई, कहीं से भी चालू हो जाओ तो नेड़ वाली हाथ में लेके भाई कहाँ पे घर है और तुम्हारा ही चालू हो गया, वो तो ये भाई साहब जम करते हुए दिख जाते तो छोड़ देते तुम्हारा भाई। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट सर्कल में रोटेशन लेनी पड़ेगी। फिर से डरते थोड़ी है, सीधा गाड़ी पार्क होती है आके है ना, उसके बाद देखो आराम से थोड़ी देर तुम्हारा यहीं पे होल्ड रख लेते। अब एक भाई साहब अपने सब्सक्राइबर भाई है जो कि पीछे की साइड में, अब बाकी जितने बंदे बच्चे उनसे फाइट देखो बस। अब ये वाला नेट इसलिए वेस्ट हुआ है क्योंकि मेरे को बिल्कुल हल्का सा साउंड आया था पीछे की साइड से जब मैं सामने नेट कर रहा था, तो उसके बाद दोबारा साउंड आ जाता, तो भैया अब तो देखो काम परचेस हो ही जाएगा ना एकदम आराम से। अब जब एकदम तुमने साउंड दे ही दिया है फिर तो भैया खत्म है सीन। अब ये मुन्ना भाई साहब को तुम्हारे भाई ने एकदम प्यार मोहब्बत से धर लिया था अपने अच्छे खासे 9 किलो चाहे, तो उसके बाद देखो लास्ट 2 बंदे बाकी, एक बंदा सामने की साइड में, एक भाई साहब अपने सब्सक्राइबर भाई। आप देखो यहाँ पे बंदा नहीं है तो सामने की साइड में ही होगा, ऊपर तुम्हारे भाई ने नेट कर लिया तो नीचे ही होगा, तो लो फिर। अब देखो ये वाला नेट थोड़ा सा ज्यादा कुक हो गया था, अभी अगर मैं इसी में सोच लेता कि बंदा नहीं फूटा तो बंदा नहीं होगा, तो भैया इस हिसाब से तो वो बाद में अपने को धर सकता था, अपने को देखो कंफर्म रहता है एकदम, ESP लगा रखी तुम्हारे भाई ने कानों में। अब ये भाई साहब को धर धरा के अपने अच्छे खासे 10 किलो के, तब लास्ट वही अपने सब्सक्राइबर भाई साहब बच रहे थे, तो उनसे थोड़ी देर बतिया के अब ये भाई साहब भी सामने से चिकन दे ही देते हैं। भाई मेरा नाम है ठाकुर, आप रियल रियल टाइम टू टाइम देखता हूँ ब्रो, लाइव स्ट्रीम पे भी आता हूँ टाइम टू टाइम। नहीं नहीं भाई मुझे फाइट नहीं करनी, मुझे मैं मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे फाइट ही नहीं करनी, नो फाइट ही नहीं करनी है भाई, ले लो किल ले लो मेरा किल ले लो। अब ठाकुर भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिकन देने के लिए, अब इन भाई साहब को निपटा के अपना 11 किल सगुन वाला दोबारा से चिकन हो जाता है, दोनों मैचों में 11 किल चिकन, अब इसमें से भी अच्छा खासा प्लस मिल गया था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सर भाई को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।